नंबर 13 13 में जस्ट क्वेश्चन में है कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्या दे रखा है, cos dy by dx is equal to 3.
प्लस वन को इधर ले आइए, ये हो जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए, फिर एक्स को इधर ले गए वाई माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, फिर कॉस को इधर ले गए तो कॉस वाई माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, ये लिख दो चाहे, ठीक है ना। तो cos dy by dx is equal to a की तरह से इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी cos of something is equal to a की तौर पर उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए या जैसे मैंने बताया था वैसे बोलो, दोनों तरह से वो y माइनस टू तो गलत लिखा होगा, ठीक है ना, वो ठीक है। 14th देखिएगा, फोर्टीन्थ में है dy by dx is equal to y tan x, y by dx is equal to y tan x, semicolon y is equal to 1 and x is equal to 0. y is equal to 1 and x is equal to 0. ये है, तो अब जरा देखिएगा, इसको y को इधर लेंगे, dy के नीचे dy upon y और dx को इधर ले लेंगे, tan x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, करिए
इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x sin x dx, ये हो गया भाई, और e की पावर x sin x dx इसको किस तरीके से करेंगे? बाई पार्ट्स करेंगे, छोड़ दो फिर आप कर लोगे अपने आप इसको, अपने आप के लिए e की पावर x sin x इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं, इंटीग्रल होता है इसका लंबा, ठीक है, आप दोनों को अभी शायद मारे समझ में, ठीक है, यहीं तक बस इतना प्रोसेस समझ लीजिए, इसके आगे का छोड़ दो। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अच्छा वो करने के बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, e की पावर x sin x इसको करेंगे तो रिजल्ट में सी आएगा, फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, 0, 0 का मतलब x की वैल्यू भी 0 दे रखी है और y की वैल्यू भी 0 दे रखी है, तो फिर आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा उस, छोड़ो उसको क्योंकि हम e की पावर x sin x कर चुके हैं, इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स, इज इट इक्वल टू एक्स प्लस टू इनटू वाई प्लस टू, एक्स प्लस टू इनटू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 1, -1 से पास हो जाए वो सॉल्यूशन आपको बताना है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना, तो डी एक्स को इधर ले जाओ, वाई प्लस टू को इधर ले आओ, डी एक्स को इधर ले आओ, ये जो एक्स है इसको नीचे ले जाओ, वाई अपॉन वाई प्लस टू, डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स, x
x is equal to 1, then y is equal to minus 1. X की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू minus 1. y की जगह डाल दिया minus 1. Minus 2 log minus 1 plus 2 is equal to x की जगह 1 plus 2 log 1 plus c minus 1 और 2 minus 1 1 होता है, log 1 होता है 0, ये 0 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है is equal to 1, log 1 0 होता है, 0 into anything is 0 plus c minus 1 is equal to 1 plus c, तो c की वैल्यू क्या होगी, minus 1, सही है? Therefore, particular solution will be y की जगह डाल दीजिए minus 1, minus 2 log y plus 2. Is equal to x plus 2 log x plus e minus 1. ये हो गया. अब ये log वाले टर्म्स हैं ना, इनको थोड़ा सा कुछ करते हैं इनका. तो क्या करिए, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए. और जैसे कि log के आगे जो टर्म लिखा हुआ है वो log के आगे लिखी हुई टर्म, log से पहले जो लिखा रहता है वो पावर में आ जाता है. माइनस 1 माइनस log, ये हो गया y plus 2 का स्क्वायर is equal to x plus log x square. Sorry, is equal to log x square. Minus x and this is minus log x square. So this is plus x square is equal to 0. Okay? And now I think that if the same term is negative, then it's better that you take minus 1 from all. So this is plus 1 plus log y plus 2 का whole square plus x plus log x square और minus 2 is equal to 0 हो गया. ठीक है, log y plus 2 का whole square log x का square, तो ये क्या हो जाएगा, log a plus log b, log a b, तो log y plus 2 का whole square into x, ये हो गया plus x और 1 minus 2 minus 1 is equal to 0. This is the particular solution here. ठीक है, पीछे देखना आंसर क्या e की पावर में तो नहीं दे रखा कहीं कुछ. क्वेश्चन नंबर 16 9.4 का. y minus x plus 2 log x square into y plus 2 का whole square हाँ log x square है, x square है log x square, y plus 2 का whole square, ये तो ठीक है. और x minus 1 है, हमने y minus x plus 2 कहाँ से बना दिया इसको, y वाली भी कोई टर्म थी क्या, हमने लिखा नहीं है. और मैंने गलत करा है, मैंने गलत करा है, ये पहला वाला जो है उसमें हमने मैंने y की वैल्यू मान डाल y ले लिया y लेना, हाँ y करिए भाई, तो इस हिसाब से तो ये जो कॉमन नंबर ले लिया सब गलत, ये लास्ट के दो स्टेप काट दो, और ये जो पहले दो स्टेप थे इसमें माइनस वन की जगह y लिया, ठीक है. और अब ये जो log वाली टर्म है, log वाली टर्म को उधर ले जाओ, चाहे तो उधर ले जाओ, इधर बचेगा y minus x plus 2 और इधर हो जाएगा log x square plus log y plus 2 का whole square. तो log a भी हो गया, ठीक है, ये है इसका solution.
मैंने गलती से y की जगह ना माइनस माइनस वन ले लिया, वो गलत था ये, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये सब कुछ इन्होंने लंबी कहानी बनाकर दे रखा है, इसकी इक्वेशन बनानी है। इन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, तो मुझे कर्व की इक्वेशन बतानी है, कर्व भी वो जो 0, -2 से पास हो रहा है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 दे दी है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई कि किसी भी पॉइंट पर एक्स वाई पर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है dy/dx एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यानी कि dy/dx इनटू y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट क्या हो गया dy/dx एंड y कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, हेलो हेलो जी गुड इवनिंग, हाँ जी सर मैं 15-20 मिनट में करूँ सर फोन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा आज ही मिलना सर, अच्छा ठीक है, मैं फ्री होकर कॉल करूँगा, ठीक है सर। y² / 2 हो जाएगा, वो x² / 2 प्लस सी हो जाएगा, और पॉइंट दे रखा है 0, -2, तो वहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल देना, डाल देना जब भी सॉल्यूशन में पर्टिकुलर आते हैं। अब देखिएगा 18th, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि dy/dx इज ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट दिस एंड द इक्वेशन एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, एक कर्व दे रखा है, तो पहले तो कर्व बनाओ जैसा आपका मन करे, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी कर्व बनाओ। ने क्या करा, हमने कर्व बना लिया, ये कर दिया ऐसे, ये बनाकर छोड़ दिया। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक पॉइंट है एक्स वाई एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, तो इस कर्व पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई, तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पर हमने स्लोप बना दिया ऐसे, सॉरी टेंजेंट बना दिया। The slope of the tangent, तो tangent हमने बनाया, इसका slope is twice the slope of the line segment, is twice the slope of the line segment joining the point of contact, तो point of contact कौन सा है, ये वाला, इस point of contact को इससे join कर रहा है कोई, इसको point को बोल दीजिए P, इसको बोल दीजिए Q, is twice the slope of the line segment joining the point of contact, जहाँ पर tangent और कोई curve जो है touch करता है उसको point of contact बोलते हैं।
varying the point of contact to the point minus 4 comma minus 3. Point of contact को minus 4 comma minus 3 से join कर रहे हैं. Find the equation of the curve given that it passes through minus 2 comma 1. मेरे को इस curve की equation बतानी है. ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा? ये जो है, ये जो tangent है, condition क्या दे रखी है? Slope of the tangent is equal to twice the slope of this line PQ. Twice the slope of PQ. What's up? दिखाई दे रहा है आंसर? अरे इधर आ जाओ. ये सब दिखाई दे रहा है. ये सामने. तो slope of the tangent. तो tangent का slope क्या हो जाएगा? dy by dx और 2 into slope of PQ. PQ का slope क्या हो जाएगा? वही y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसको y2 मान लो, y2 इसको y1 मान लो, तो y minus minus 3 upon x2 minus x1, तो x minus minus 4. देख रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना मुश्किल बनाया है. ठीक है, तो अब इसके बाद जो वेरिएबल सेपरेट करना, फिर वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई है. जरा देखिए वैल्यू क्या हो गया. dy by dx is equal to 2 into y plus 3 upon x plus 4. ठीक है, y plus 3 को इधर ले आओ, क्योंकि dy और dx वाली टर्म तो न्यूमरेटर में रहनी चाहिए. तो ये 2 इधर आ गया, ये 2 को वहीं रहने दो. बोलूं तो कर लेंगे भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? log y plus 3, ये हो जाएगा 2 log x plus 4 plus c. वो निकाल लेंगे. उन्होंने बोला है कि ये जो कर्व है, ये माइनस टू कॉमा वन से पास हो रहा है. जब माइनस टू कॉमा वन से पास हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू है, वाई की वैल्यू वन है. कर लेंगे अपने आप. छोड़ो मुझे. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं जरा. ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी. में क्या देखा है? The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. Changes at a constant rate. तो जब हम rate की बात करते हैं, तो जो भी जिस भी चीज़ का हम rate बोलते हैं, rate of change, तो आप समझ लीजिए उसको हम time से divide करते हैं. ठीक है? अब ये क्या बोल रहे हैं? The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. मतलब dV by dt rate of change of volume क्या हो गया? dv by dt is equal to k क्या है? कोई भी constant है. dv by dt is equal to k, तो ये दे रखा है, it changes at a constant rate, तो dv by dt is equal to k हो गया. उसके बाद देखिएगा, if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units,
फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर 3 सेकंड्स. ठीक है, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स. तो इनिशियली का मतलब क्या है, शुरुआत जब भी हम करते हैं ना किसी भी चीज़ की तो हम टाइम को जीरो मानते हैं. ठीक है, तो इनिशियली is equal to 0 and r is equal to, initially t is equal to 0 and r is equal to 3 units, 3 difference, and finally 3 seconds ke baad bol rahe ho, and after 3 seconds it is 6 units. यहाँ पर हमारे लिए y क्या है r और हमारे लिए x क्या है t, तो dr by dt कैसे निकलेगा, आप इसको x1 y1 x2 y2 मानो तो y2 minus y1 यहाँ लिख दो r2 minus r1 upon t2 minus t1, तो dr by dt
is at a constant rate dv by dt. एक वैल्यू दे रखी होती है समझना, दो वैल्यू दे दी है और इसी को करें सर Thank you.
चलो तो भाई यही कर लीजिए फिर आप अमाउंट कर लो ये नोट कर लीजिए। देखिए मैंने करा के इसमें ये बता रहा था शुरुआत में जो चीज़ को दे रखी है ना जैसे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के दे रखा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम ये कॉन्स्टेंट के बराबर दे रखा है। तो हमने क्या करा कि डी टी को इधर ले गया तो डी वी इज इक्वल टू के डी टी हो गया, फिर डी वी को इंटीग्रेट करा तो वॉल्यूम भी आ गया क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, डी टी को इंटीग्रेट करा तो भी आ गया के डी प्लस ही हो गया। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट का 4/3 πr³, तो 4/3 πr³ लिख दिया यहाँ पर के डी प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया क्योंकि ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया आर में और टी में इक्वेशन आ गया। अब क्या है कि अब जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं उन कंडीशंस के हिसाब से मुझे अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, के और सी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या करा पहली कंडीशन ये वाली दे दी कि जब टी 0 है तो आर की वैल्यू 3 है, तो टी को 0 ले लिया आर की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 36 π, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब ये वैल्यू मैं यूज़ कर लूँगा दोबारा से लेकिन अब मैं दूसरी कंडीशन यूज़ करूँगा टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड आर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, टी की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 6 यहाँ पर डाली और जो सी था सी की जगह 36 π डाला तो यहाँ से के की वैल्यू 84 π आ गई सॉल्व करके। अब जो ये इक्वेशन आई थी इसमें के की जगह 84 π डाला और सी की जगह 36 π डाल दिया ये वाला, ठीक है। ये डालने के बाद बस अब इसको रीअरेंज ही कराया, बस यहाँ दिखाई दे रहा था π π π तो π तो कट जाएगा, 84 है 36 से 4 कॉमन ले लेंगे 4 भी कट जाएगा और R निकालना है मेरे को, R निकालना है टी इज इक्वल टू टी सेकंड्स, तो T को T ही रहने देना है और R निकालना है, तो R क्यूब है तो इधर जाकर पावर 1/3 ये चार क्वेश्चन इसके बच रहे हैं 20, 21, 22, 23, ठीक है। देख लीजिएगा अगर कोई हो जाए तो ठीक है, नहीं मुझे तो लगता नहीं वैसे आपसे होगा, ठीक है मैं करा दूँगा इनको। ये चार क्वेश्चन छोड़ देना जो ये 19 तक हैं क्वेश्चन, ये 19 तक क्वेश्चन एक बार दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये करिएगा बस और कुछ नहीं।